Hi guys, nice to address all of you once again on a new topic. That topic also talks about multiple usage of some of the confusing words which have got different kind of the usage, and such usage usually disturb the students in competitive examination and also in the spoken world. That's the reason I have decided to bring it in front of you with its different kinds of the usage and various kinds of the usage which are found in competitive examination and in different aspects of the life. My dear students, मैं आज आपको कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो न केवल एडजेक्टिव्स के रूप में यूज होते हैं बल्कि कभी कभी ये प्रोनाउंस बनकर भी यूज होते हैं. तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो यूजुअली मैंने पाया है कि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं. तो इससे बचने के लिए मैंने आपको इसको एक मतलब बोर्ड में बेहतर ढंग से अरेंज किया है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और आप पाएंगे मैंने इन सारे वर्ड्सों को दो कैटेगरी में बांटा है. एक कैटेगरी है सिंगुलर वर्ड्स का ग्रुप, जिसके साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या एक्जिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं. सिंगुलर एक्जिलरी वर्ब केवल एक वन पर्सन या वन थिंग के लिए यूज होता है. और ये कौन सा वर्ड्स होते हैं? ये होते हैं एज, वाज, देन हैज, देन डज एंड ऑल्सो समटाइम एम. लेकिन जब हम इसे प्लूरल के रूप में यूज करते हैं गाइज, तो हम इसके लिए यूज करते हैं आर, वेयर, हैव, ये सब प्लूरल के रूप में यूज होते हैं. तो सबसे पहले ये जो वर्ड्स है इसका दो तरह से यूज होता है. एक तो ये हम इसको डिफाइन करते हैं, इसके बीच डिफ्रेंशिएट करते हैं जब यह सिंगुलर या प्लूरल के रूप में होता है. प्लस हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप कॉमन एक्जिलरी वर्ड्स के बारे में बताया था, जैसे शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड. तो इन शब्दों का भी प्रयोग हम लोग इन सारे वर्ड्सों के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम कैसे इन चीज़ों को बेहतर ढंग से करें. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ठीक है? इन शब्दों से आप इनको, इन शब्दों को देखिए, इसके छोटे छोटे जो डिफरेंसेज है उसको गौर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए. तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके 4-5 कॉमन एरर्स बेहतर होंगे. और प्लस इधर और नीदर जो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग्स है, क्योंकि उसमें सिंगुलर भी यूज होते हैं, प्लूरल भी यूज होते हैं. ऐसा एक वर्ड नन भी है जो सिंगुलर में भी यूज होता है बट प्लूरल में भी यूज होता है. बट मैं पाता हूँ कि इधर और नीदर जो है वो बेहतर से समझने की चीज़ है. तो इसलिए सबसे पहले हैव अटेंशन एट द थिंग्स विच आर रिटन ऑन द बोर्ड. तो माय डियर, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ईजी यूजेज ऑफ सम प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स. तो सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया है सिंगुलर, एज, वाज, हैज, डज, इटीसी. ये सारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स माने जाते हैं. तो इन शब्दों का यदि यूज करना हो माय डियर, तो सबसे पहले हम इन शब्दों को देखेंगे और इसे जानेंगे कि हम किस तरह से यूज करते हैं. सबसे पहला वर्ड है हमारा इच. इच का प्रयोग हम लोग सिंगल पर्सन के लिए करते हैं या सिंगल थिंग के लिए भी कर सकते हैं. हिंदी में भी मैंने लिखा है हर एक या प्रत्येक, और यहाँ ब्लू कलर से लिखा हुआ है टू और ग्रेटर देन टू. इच का प्रयोग हम लोग दो व्यक्ति या दो चीज़ों के लिए करेंगे या इससे बड़े के लिए भी करेंगे, बट ये कम संख्या को दिखलाने के लिए यूज होता है. इससे का बड़ा भाई है एल्डर ब्रदर एवरी. एवरी का भी अर्थ हम लोग प्रत्येक के अर्थ में करते हैं, लेकिन ये ग्रेटर देन टू होता, हम इसकी इसका यूज अधिक संख्या दिखलाने के लिए करते हैं. 3, 4, 5, 7, 10, 50, 25 से लेकर 100 से आप ऊपर आगे बढ़ते रहिए तो हम एवरी का प्रयोग करेंगे. बट इसका प्रयोग हम बहुत अधिक संख्या के लिए नहीं करते, जो कम संख्या हो टू और ग्रेटर देन टू उसके लिए करते हैं. वन ये अपने नाम से ही पता चल रहा है एक, ठीक है? वन अपने नाम से ही पता चल रहा है एक, ठीक है? उसके बाद है नन, कोई नहीं, कोई नहीं, नन. उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर लिखा हुआ है इधर, दोनों में कोई एक, या हम लोग इसे ऐसे भी कहते हैं दोनों में से कोई एक. ये है नीदर, दोनों में से कोई भी नहीं. हम लोग इधर या नीदर का प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए करते हैं, पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं. तो ये दो के बीच बतलाता है, ठीक है? दोनों में से कोई एक.
नीदर जो है दोनों में से कोई भी नहीं है, और नन जो है ये दो से अधिक के बीच बतलाता है, ठीक है। नन का प्रयोग हम लोग मैक्सिमम के लिए करते हैं, तो यूजुअली नीदर दो के लिए होता है और ये हमारा टू से अधिक के लिए होता है, ठीक है। तो ये नन जो होता है ये ग्रेटर देन टू से होता है। सबसे बड़े जो चैलेंजेज आते हैं इसकी यूज के प्रति आते हैं, तो सबसे पहले जब भी ईच एवरी वन नन इधर नीदर वर्ड्स हो, केवल नन थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसका प्रयोग हम लोग दोनों रूप में कर सकते हैं, नन का प्रयोग सिंगुलर प्लुरल के रूप में भी। लेकिन जब भी ये वर्ड्स आपको दिखाई पड़े या आपको यूज करना हो तो इसके लिए हम लोग ईच वाज हैज और डज, ये चार महत्वपूर्ण सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। आप पहली दफ़े यहाँ पर देखेंगे कि सेंस की वजह से यू के साथ भी इज का प्रयोग हो सकता है, उसके बाद देम के साथ भी मतलब इज का प्रयोग हो सकता है, बशर्ते कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है माय डियर? कि ये सारे जो वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं जहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है, इन सारे वर्ड्सों के साथ यदि हमें यूज करना हो, तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है इज वाज हैज और डज का प्रयोग होता है। अब आइए नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिए माय डियर, एज एवरी वन नन इधर नीदर ऑफ, और ये तीन महत्वपूर्ण वर्ड है जो यूजुअली इसी तरह से ये पेयर बनकर आते हैं। इसके एक्सेप्शन भी है, इसके बिना भी ये यूज होते हैं, बट यूजुअली बोलचाल में, स्पोकन इंग्लिश में, रिटेन इंग्लिश में इस तरह के वर्ड के साथ ये आते हैं, ऑफ अस यू देम। हाँ, जैसे इच ऑफ अस हमें से प्रत्येक, इच ऑफ यू आप में से प्रत्येक, इच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक। फिर आ जाएगा एवरी का भी वही अर्थ होगा, नन ऑफ अस हमें से कोई नहीं, नन ऑफ यू आप में से कोई नहीं, मतलब बहुतों में से, केवल दो के लिए नहीं, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं। यही चीज़ यदि इधर आ जाता है तो हम दोनों में से कोई एक, दो हो उसके बीच भी सिलेक्शन करना हो तो इधर ऑफ अस इधर ऑफ यू इधर ऑफ देम। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके साथ न केवल हम लोग एज वाज हैज डज का प्रयोग सिंगुलर के रूप में करते हैं, बल्कि जो कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जैसे शुड मस्ट आउट टू मे माइट कैन कुड, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर सिंगुलर प्लुरल का कोई मतलब नहीं होता है, आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बट ये चीज़ें कॉमन ईयर्स के रूप में परेशान करते हैं। वहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि ये सारे वर्ड सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यही बेसिकली यूज होते हैं, इसमें एम नहीं है, ठीक है, एम भी सिंगुलर के रूप में ही यूज होता है। तो अब देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा है, ईच या एवरी ऑफ अस इज गुड, हमें से प्रत्येक अच्छा है। इज, इज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये ईच और एवरी ये सिंगुलर वर्ड्स है, ऑलरेडी ऊपर बताया गया है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ इज का प्रयोग किए। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो गौर से देखिए, वन या नन ऑफ यू इज वीक, पहली दफ़े आप देखिए नन वन या नन ऑफ यू इज वीक, पहली दफ़े आप देख रहे हैं कि यू के साथ आप इज का प्रयोग कर रहे हैं। यू के साथ इज का प्रयोग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ सेंस को देख रहे हैं, न कि यू को देख रहे हैं, ठीक है। सेंस की वजह से ही हम लोग इज का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे नन ऑफ यू आप में से कोई भी कमजोर नहीं है, नन ऑफ यू इज वीक, तो इसलिए इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ड है। फिर जैसे वन ऑफ यू इज वीक, आप में से एक कमजोर है, तो यहाँ पर भी ये सिंगुलर वर्ड्स के रूप में यूज हो रहा है। अब गाइज हम इसके प्लूरल फॉर्म की तरफ चलेंगे, प्लूरल फॉर्म की तरफ आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड्स है हमारा बोथ, ये टू पर्सन्स और टू थिंग्स के लिए यूज होते हैं, ऑल जो सभी के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पर हम नन को प्लूरल फॉर्म के रूप में लाए हैं, ठीक है, हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर ऊपर जैसा ही होगा, बट एक्जिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाएंगे, ये यहाँ पर आ या वेयर होगा, या फिर कॉमन हेल्पिंग वर्ब शुड मस्ट आउट टू मी माइट कैन कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए बोथ ऑल नन, नन का मतलब कोई नहीं, फिर हम लोग इसके साथ यहाँ पर शुड मस्ट मी कैन का प्रयोग किए हैं, और इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मैंने हाईलाइट कर रखा है आर या वेयर का प्रयोग करते हैं। आर वेयर का जब हम यूज करते हैं गाइज, तो हम इसके साथ हम
एम भी मतलब मेन वर्ब, भी वन भी टू भी थ्री भी फोर भी फाइव का प्रयोग कर सकते हैं, नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अंत में जो रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बताया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, जब ये प्लूरल है तो हम जब इसको प्लूरल के रूप में यूज करेंगे, तो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, देखिए बोथ ऑफ अस आर गुड, हम दोनों अच्छे हैं, बोथ अप अश आर गुड, यहाँ पर आर का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बोथ हमारा प्लूरल है। फिर ऑल अप यू आर गुड, ऑल अप यू आर गुड, यहाँ पर यू के लिए आर का प्रयोग किए हैं क्योंकि ऑल जो है प्लूरल को बता रहा है। अब हम मान लीजिए, ये हमारे सेंस पे निर्भर करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हों, उनके बीच कुछ बुरे लोग नहीं हों, नन ऑफ देम आर बेड, उन मान लीजिए बहुत सारे 50-100 हैं, उनमें कुछ बुरे नहीं हैं, तो हम लोग फिर इसके लिए सेंस की वजह से यहाँ पर आर का प्रयोग हमने किया। ठीक है, सेंस की वजह से यहाँ पर नन का प्रयोग हम लोग इज के रूप में करते हैं, बट ऐसा मेरा अनुभव है कि नन के साथ हम यूजुअली आर का ही प्रयोग अधिक देखें, क्योंकि नन जो है अधिक संख्या को बतलाता है, तो इसलिए ट्रेडिशनली आर का ही प्रयोग अधिक होता है। अब जैसे नन ऑफ देम मे प्ले, उनमें से कोई भी नहीं खेल सकता है, तो ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब से आधारित ये भी आएंगे, ये जब आएंगे तो इसमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सिंगलर यूज किया जाए या प्लूरल यूज किया जाए। और ये बाकी जो वर्ड्स हैं, तो आपने क्या देखा, क्या सीखा, जाना, आपने जाना ईच, एवरी, उसके बाद नन, इधर, निधर के साथ हम लोग सिंगलर हेल्पिंग वर्ब ईज, वॉज, हैज, डच का प्रयोग करते हैं। विशेष परिस्थिति में हम सिंगलर प्लूरल दोनों के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, बट वर्ड्स होना चाहिए शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, जो सिंगलर प्लूरल को डिफाइन नहीं करके किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। लेकिन जब सिंगलर प्लूरल की चर्चा हो तो ये बेसिकली सिंगलर वर्ड्स को होते हैं जिसके साथ सिंगलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसी के जो दूसरे वर्ड्स सेक्शंस में दूसरे वर्ड्स जो आते हैं, जैसे बोथ, ऑल और नन, ये तीन वर्ड्स है जो बेसिकली प्लूरल में यूज होते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए हम लोग आर या वेयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कॉमन हेल्पिंग वर्ब शुड, मस्ट, और टू का प्रयोग कर सकते हैं। बट एक खूबी है इसमें कि ये इस तरह से यूज होते हैं, ईच या एवरी ऑफ अस, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ देम, इधर ऑफ अस, इधर ऑफ यू, इधर ऑफ देम। ठीक है, प्लेन भी यूज होता है, इधर ऑफ दीज भी होता है, इधर ऑफ दोज भी होता है, जैसे इधर ऑफ दीज बुक्स इज गुड, इधर ऑफ दोज चेयर्स इज नाइस, तो यहाँ पर इज का ही प्रयोग करेंगे। अब हम नेक्स्ट आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम आपको इधर और नीदर की जानकारी देने जा रहे हैं, इधर और नीदर की जानकारी देने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर इधर दोनों में से कोई एक है और ये नीदर दोनों में से कोई भी नहीं है, तो हमने बताया कि ये दोनों सिंगुलर वर्ड्स हैं, इधर और नीदर जो है ये दोनों हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं, तो इसके सिंगुलर यूज मैंने बताया। अब मैं इसमें ये बताऊंगा कि ये सिंगुलर इधर नीदर सिंगुलर वर्ड्स है, इसके साथ इज, वॉज, हैज, डज, इटीसी का प्रयोग होता है, जैसे अभी मैं फिर दो एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि इसके साथ प्लूरल का भी प्रयोग हो सकता है, जो मैं पाता हूँ कि स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आप देखें, एग्जाम्पल्स में जैसे इधर, इधर ऑफ दीज बुक्स, इधर ऑफ दीज बुक्स, इधर ऑफ दीज बुक्स इज नाइस, इधर ऑफ दीज बुक्स इज नाइस। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर लग रहा है जैसे ये बुक्स प्लूरल है, बट हम लोग इसको इधर की वजह से हम लोग इसे सिंगुलर के रूप में रखते हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए, neither of those books, हाँ, is good, neither of those books is good, तो फिर यहाँ पर is हमारा क्या है, is singular है, is singular क्यों है, क्योंकि ये neither को शो कर रहा है। अब हम आपको एक रूल्स बताने जा रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा। अब हम इसका पेयर फॉर्म यूज कर रहे हैं, पेयर फॉर्म ऑफ इधर, पेयर फॉर्म ऑफ इधर, इधर या नीदर।
हाँ, ये जोड़े के रूप में रहेंगे, पेयर फॉर्म ऑफ इधर या निधर। अब देखिए उसी तरह इधर इधर डैश और हाँ, यहाँ पर ध्यान देना है और के बाद यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यदि फिर यहीं पर यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है माय डियर। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ये दोनों के साथ इसी तरह पालन होता है, नीदर के साथ हम लोग नॉर का प्रयोग करते हैं, बट ये भी उसी नियम को पालन करता है। अब देखिए ऐसे इधर या नीदर और या नॉर के बिना हो तो इसे हम 100% सिंगुलर मानेंगे, लेकिन जब ये जोड़े में चलने लगे इधर और दोनों में से कोई एक, नीदर नॉर दोनों में से कोई नहीं, तो ये डिपेंड करता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको नोट करना होगा, और या नॉर के बाद कौन सा सब्जेक्ट है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर इज वाज हैज डज वगैरह आएंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे होंगे तो फिर यहाँ पर आर वेयर, हाँ प्लूरल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में कौन आएंगे, आर वेयर, ठीक है आर वेयर होगा। और चूंकि सिंगुलर ऊपर लिखा हुआ है, अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हाँ इधर, हाँ देखिए इधर, हाँ देखिए इधर विकास और अमर इज ए गुड स्टूडेंट। हाँ तो देखिए गौर करने वाली बात है, मान लीजिए ये विकास हुआ, ठीक है हाँ विकास हुआ, ठीक है ये और अमर हुआ। अब हम इस वर्ड को देखेंगे यहाँ पर, और के बाद ये वर्ड सिंगुलर है, अमर ये वर्ड हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। अब इसी के साथ देखिए हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे, इधर वी और दे आर गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ माय डियर ये देखिए, और इसलिए प्लूरल है क्योंकि और के बाद इसके बाद दे प्लूरल है। अब यहाँ ये डिसाइड और के बाद किस हिसाब से हो रहा है, इसलिए दे प्लूरल तो इसलिए आर प्लूरल, दे प्लूरल तो इसलिए आर प्लूरल, ठीक है। यहाँ पर अमर सिंगुलर इसलिए इज सिंगुलर, अमर सिंगुलर इसलिए इज सिंगुलर, यहाँ दे प्लूरल इसलिए आर प्लूरल। तो जब और या नॉर लगा हो तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है और जो सामने वाला सब्जेक्ट होता है और नॉर के बाद वाला, उसके अनुसार इज या आर या वाज या वेयर का प्रयोग होता है। अब देखिए नीदर के साथ हम दो एग्जांपल दे रहे हैं, नीदर पटना नॉर लखनऊ इज ए स्मॉल टाउन। ओके माय डियर, तो अब यहाँ पर देखिए नॉर है, नॉर के बाद लखनऊ है, तो बिकॉज ऑफ दिस लखनऊ इज सिंगुलर आ गया, इज हमारा सिंगुलर हो गया। फिर हम देखिए नीदर पर एक और बनाएंगे, नीदर वी नॉर दे, नीदर वी नॉर दे आर
प्लेयर्स प्लेयर्स नीदर वी नॉर दे आर प्लेयर्स। हाँ ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दे प्लूरल है तो दे के लिए आर भी हमारा प्लूरल हो गया। नीदर वी नॉर दे आर प्लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आश्चर्य की बात है कि हम लोग इसको दो ही कंडीशन के लिए यूज करते हैं, बट जो आने वाला सब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ये थोड़ा आपको कन्फ्यूज कर रहा होगा, ठीक है, कि इसमें प्लूरल कैसे आ गया। तो हम लोग वी या दे के अनुसार हम लोग इसको देखते हैं। और यदि आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, आप इसको और बेहतर समझ सकते हैं, हम यदि इसको एडजेक्टिव के रूप में कन्वर्ट कर दे। देखिए नीदर वी नॉर दे आर नाइश, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दे के लिए दे प्लूरल के रूप में यहाँ ट्रीट हो रहा है, इसलिए आर प्लूरल आए। तो माय डियर, इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू टेल कि इधर और नीदर ये दोनों सिंगुलर वर्ड्स है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग इधर ऑफ अस, इधर ऑफ यू, इधर ऑफ देम, नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ देम के रूप में करेंगे तो ये सिंगुलर वर्ड्स होंगे। इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज, वाज, हैज या डज का प्रयोग होगा। लेकिन जब ये पेयर के रूप में आए, जैसे इधर और, दोनों में से कोई एक, नीदर नॉर, दोनों में से कोई भी नहीं, तो उस स्थिति में और या नॉर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट डैश प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे इधर ऑफ अस इज ए गुड स्टूडेंट, यहाँ पर केवल एक इधर की चर्चा हो रही है, बट पेयर पे आने पर ही देखिए इसमें प्लूरल भी लग सकता है। इधर इधर वी और यू आर गुड प्लेयर, या इधर यू और वी आर नाइश, ठीक है। फिर देखिए, फिर हम नीदर के साथ प्रयोग करते हैं, नीदर ऑफ अस इज ए नाइश प्लेयर, ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया। या नीदर ऑफ नीदर वी नॉर दे आर स्मार्ट, हाँ, नीदर वी नॉर दे आर वीक, फिर नीदर यू नॉर वी आर वीक। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं गाइज, वहाँ पर हम लोग और या नॉर के सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड करते हैं कि आने वाला हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो गाइज, आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू मे हैव अंडरस्टूड माई टॉट मैटर वेरी नाइसली, एंड आई होप एंड प्रॉमिस दैट आई वुड बी कमिंग विथ लॉट्स ऑफ न्यू वीडियोज ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। यू हैव टू वेट फॉर माई वीडियोज एंड यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल now, and you must be getting some of the aspects which would be directly not found in the books, but it would be possible only when you go through 50 to 60, around 100 books, then you would discover some of the things out of those. But in essence, I would like to bring all those things in front of you through my small video that would not consume lots of your data, but even with your simplified data, you can watch my video with your comforts and with your age. But dear guys, do not forget to give your comments, your likes, because your comments, your likes and your subscription make me stronger, make me bolder and make me more interested in coming with many lots of new videos for all of you. So guys, keep on watching me as many times as possible. Whenever you are free, you can consume some data but can get lots of good information, ideas of my more than 25 years of marathon experiences of English teaching, and you would be definitely benefited. Okay guys, meet you in next video. Bye bye.